तो विनोद जी, दरअसल जो पूरा प्रशांत ने कहा है वो ये नहीं कहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं था। उनका कहना यह है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बड़ा मुद्दा उसको बनाया गया है, बनाया जा रहा है। यानी अगर दूसरे मुद्दे भी हैं जो काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, उसको अगर इग्नोर किया जाता है तो इसका मतलब है कि आप उसकी पॉलिटिक्स को ठीक ढंग से नहीं समझ रहे हैं। और उसको नहीं समझ रहे इसका मतलब उसके बरक्स कोई अपनी एक सही रणनीति भी नहीं बना पा रहे। तो एक रणनीतिकार के तौर पर उनका शायद ये कहना है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उतना बड़ा मुद्दा हिंदुत्व का नहीं है या हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण का नहीं है जितना बड़ा विपक्षी दलों ने मान लिया है या जो राजनीतिक विश्लेषक है वो मान के चल रहे हैं। देखिए मुकेश जी, प्रशांत किशोर की जो बात है, अभी सभा ने बहुत अच्छी तरह से उसको उसकी व्याख्या की। मैं भी सभा से काफी हद तक सहमत हूँ और मैं भी मानता हूँ कि हिंदुत्व एक मुद्दा है, लेकिन हिंदुत्व सिर्फ ऐसा अकेला मुद्दा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की नैया पार करा दे। 1947 में बंटवारे के बाद भी हिंदुत्व का मुद्दा बहुत जोश, देश में सांप्रदायिक विभाजन बहुत कड़ा था, लेकिन खाली उस मुद्दे के बल पर जनसंघ जो 1950 में बना, 52 का चुनाव नहीं जीत पाया, और तब से लेकर के 67 तक जनसंघ को कोई सफलता नहीं मिली। और थोड़ी बहुत सफलता जनसंघ को तब मिली जगह जगह जब संबित सरकारों में वो शामिल हुए। फिर जनता पार्टी का इतिहास है, राम बाबरी मस्जिद जब टूटी तब भी बहुत जबरदस्त हिंदुत्व ध्रुवीकरण था। आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर निकले, सभा को मालूम होगा और हम लोग, राजेश ने भी कवर किया होगा, हमने भी कवर की हुई रथ यात्रा, उस वक्त मतलब दूसरा कोई झंडा देखना भी संभव था किसी दूसरी पार्टी का, इतना जबरदस्त हिंदुत्व का पोलराइजेशन था। और जो नारे थे जो थे, तो ये ठीक है सोशल मीडिया तब नहीं था, लेकिन फिर भी गांव गांव जिस तरह चंदा और राम शिलाएं और राम पूजन और सब चला था, तो जबरदस्त मुद्दा था। लेकिन उस रथ यात्रा के बाद जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को सीटें आई पूरे देश में 116, जो 90-91 में चुनाव हुए, और 92 में बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई और भाजपा चुनाव हार गई। जबकि बाबरी मस्जिद जब टूटी थी तब मैं गाजियाबाद से लेकर के और लखनऊ तक गया था बाई रोड, और मुझे कहीं दूसरी पार्टी का कोई झंडा तो छोड़ो एक पोस्टर नहीं दिख रहा था सिवाय भाजपा के झंडों के अलावा और हिंदुत्व की लहर के अलावा। तो हिंदुत्व की लहरें हम लोगों ने देखी हैं और भाजपा ने भी इसको समझा, इसीलिए उसने जो है हिंदुत्व को थोड़ा बैक सीट पर डाल करके दूसरे मुद्दे शामिल किए। उसमें अडवाणी जी का स्वराज से स्वराज, स्वराज से सुराज, गवर्नेंस, अटल बिहारी वाजपेयी की उदारता, बहुत सारी चीजें शामिल की फिर। और उसके बाद वो दूसरी पार्टियों को साथ में लेना, अपनी अनटचेबिलिटी खत्म करना। नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में जब वो 2002 का चुनाव लड़े तो पूरी तरह से उन्होंने हिंदुत्व को गर्म किया, 129 सीटें जीती, चूंकि दंगों की आफ्टरमाथ में चुनाव हुए थे। अगला चुनाव उन्होंने जो 2007 का जब वो लड़े तो उन्होंने उसको दिल्ली बनाम गुजरात बनाया, हिंदुत्व के साथ साथ गुजराती अस्मिता उन्होंने जोड़ा उसमें, और 6 करोड़, 5 करोड़ गुजराती, 5 करोड़ गुजराती हर भाषण में उनके चलता था, जो सबसे टफ चुनाव था उनके लिए। और 2012 का चुनाव उन्होंने लड़ा तो उसमें हिंदुत्व के साथ साथ अपने को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया। हर गुजराती के मन में था कि मोरारजी देसाई के बाद पहली बार देश का जो है एक गुजराती प्रधानमंत्री बने, इसलिए तमाम सारे कांग्रेसी वोटर भी बीजेपी को वोट देते दिखे उस वक्त। लेकिन 2000 के बाद लगातार सीटें कम होती गई बीजेपी की, सर मेरे सुन तो हर लीजिए चुनाव प्रभु। में सीटें कम हुई। हाँ सीटें कम हुई, सीटें कम हुई, उसके अलग कारण होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। 129 के बाद 115 हुए, 115 के बाद फिर 117 हुए, और उसके बाद 99 हुए अभी 2017 में, जी तो वो सीटें तो मुझे मालूम है, लेकिन चुनाव वो दूसरे मुद्दों पर जीते। 2014 का चुनाव, मैं बार बार कहता हूँ, 2014 के चुनाव में जाति समीकरणों की ईंटें, हिंदुत्व का सीमेंट, गवर्नेंस का पेंट और डेवलपमेंट, गवर्नेंस का डेवलपमेंट का पलस्तर और गवर्नेंस का पेंट, ये चार चीजें थी 2014 में नरेंद्र मोदी को जिताने वाली। और यूपीए का जो था वो अलग बात है। देखिए पोलराइजेशन से चुनाव आप लड़ सकते हैं, लेकिन जीतना अकेले पोलराइजेशन से जीतना संभव नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और पोलराइजेशन खाली कम्युनली नहीं होता, कास्ट का भी होता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव बैठे हुए और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हर राजनीतिक पार्टी का एक डीएनए होता है, कोर इश्यूज को, जैसे भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का पोलराइजेशन उसका कोर है, वो उसको भी छोड़ नहीं सकती, चाहे अटल जी की बीजेपी हो, चाहे नरेंद्र मोदी की बीजेपी हो, या आगे कभी किसी की बीजेपी योगी आदित्यनाथ की बने या किसकी बनती है। आगे
इसी तरह जो सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं, जो सोशलिस्ट मूवमेंट से निकली हुई हैं, जनता दल के थ्रू निकली, उनका कोर जो है वो है जाति ध्रुवीकरण, वो कास्ट पोलराइजेशन पर जाते हैं, चाहे लालू जी हो, चाहे मुलायम सिंह हो, या अखिलेश तेजस्वी हो, वो जाते हैं। लेकिन बीएसपी ने भी कास्ट पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की, लेकिन एक उसकी एक सीमा होती है पोलराइजेशन की, वो प्लेटो के बाद फिर आपको कुछ और जोड़ना पड़ता है अपने उसमें, और अगर वो आप नहीं जोड़ेंगे तो खाली वही आप चुनाव नहीं जीता पाता। हिंदुत्व का पोलराइजेशन बिहार में फेल हुआ 1991 में, तमाम सारे देश में आडवाणी जी बीजेपी जीती, लेकिन बिहार में जनता दल को जबरदस्त सफलता मिली, और कास्ट पोलराइजेशन वो डिफरेंट शेप ले गया आजकल बिहार की तारीख में बिहार में। और अब स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व का तड़का तो लगाती है हर चीज में, और वो उसका कोर है, लेकिन वो डेवलपमेंट, बड़े बड़े नारे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, सब 25,000 करोड़, 15,000 करोड़, 2,000 करोड़, सारी उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले, पर तो वो उन्होंने उसके ऊपर एक डेवलपमेंट का मुद्दा दिया। फिर राशन वाला जो मामला है, फ्री राशन, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो एक बड़ा मुद्दा था, उसने तमाम हिंदुओं से ज्यादा लोगों को जो है बिल्कुल एहसानमंद बना दिया, वो उन्होंने जोड़ा उसमें। फिर लॉ एंड ऑर्डर,